नमस्कार, दैनिक सवेरा आप देख रहे हो और आपके साथ मैं हूँ रोहित उत्तम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। पूरा शहर कार्यक्रम की तैयारियों में लगा हुआ है। आज भी अयोध्या में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के तहत हो रहे कार्यक्रमों का आज छठा दिन है। इसी बीच 22 जनवरी को दर्शन के लिए मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो आइए इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, 7 दिनों तक चलने वाला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों का आज छठा दिन है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और ये 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म होंगे। देखिए, आज मूर्ति को 125 कलशों के साथ जल से स्नान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 22 जनवरी को दोपहर 12:05 से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान करीब 7,000 वीवीआईपी यात्री, जी हाँ, वीआईपी मूवमेंट होने वाली है और वो प्रांगण में मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। ये प्रसारण दुनिया भर में भारतीय दूतावासों समेत सभी अहम मंदिरों में किया जाएगा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:15 पर शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। वहीं इस दौरान टाइमिंग कुछ इस तरह की रहेगी। देखिए किस तरीके से, आपको बता दें कि श्रद्धालु अयोध्या मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दिव्य दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए टाइम स्लॉट के हिसाब से बुक करना पड़ेगा। ऐसे में वो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर ओटीपी जनरेट करना होगा, जिससे आप लॉग इन कर पाएंगे। तो देखा थी ना महत्वपूर्ण जानकारी, तो बस एक खास गुजारिश, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देश में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा। नमस्कार, दैनिक सवेरा आप देख रहे हो और आपके साथ मैं हूँ रोहित उत्तम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। पूरा शहर कार्यक्रम की तैयारियों में लगा हुआ है। आज भी अयोध्या में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के तहत हो रहे कार्यक्रमों का आज छठा दिन है। इसी बीच 22 जनवरी को दर्शन के लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो आइए इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, 7 दिनों तक चलने वाला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों का आज छठा दिन है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और ये 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म होंगे। देखिए, आज मूर्ति को 125 कलशों के साथ जल से स्नान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 22 जनवरी को दोपहर 12:05 से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान करीब 7,000 वीवीआईपी यात्री, जी हाँ, वीआईपी मूवमेंट होने वाली है और वो प्रांगण में मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। ये प्रसारण दुनिया भर में भारतीय दूतावासों समेत सभी अहम मंदिरों में किया जाएगा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:15 पर शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। वहीं इस दौरान टाइमिंग कुछ इस तरह की रहेगी। देखिए किस तरीके से, आपको बता दें कि श्रद्धालु अयोध्या मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दिव्य दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए टाइम स्लॉट के हिसाब से बुक करना पड़ेगा। ऐसे में वो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर ओटीपी जनरेट करना होगा, जिससे आप लॉग इन कर पाएंगे। तो देखा थी ना महत्वपूर्ण जानकारी, तो बस एक खास गुजारिश, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देश में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा।